revision homework that you have to do for revision, that you have to read the exercise 3 times and to write question answers 1 sentence and 2 sentences both the 1 time. ये रिफ्रेश है आपका रिवीजन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अगर भूल गए हो तो आपको फिर से याद भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी लिखने की बनी रहे. तो ये होमवर्क आपको कंपलसरी करना है. As you know that we are doing revision and we have revised our 4 lessons and today we are going to revise our 5th chapter that was rocks and minerals. हमने अगले ही लेसन में सॉइल फॉर्मेशन में कलर किया था दैट उसमें फर्स्ट इफेक्ट था कि एंटायर अर्थ इज कवर्ड विद रॉक्स. सबसे पहले इस अर्थ पर सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स थे. वो रॉक्स कहां से है, वो रॉक्स कैसे बने? तो आज हमें ये पहले लर्न करना है और रॉक्स की बात आती है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना? और ये जो रॉक्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं पूरे अर्थ पर देखने को मिल ही जाते हैं. सो लेट अस रिवाइज अबाउट द रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स की बात करें तो वो काफी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रॉक्स है. सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसे कहते हैं मैग्मा. सेमी सॉलिड लिक्विड अर्थ का जो अंदर का लेयर है वो काफी गर्म है और इट इज फिल्ड विद द सेमी सॉलिड लिक्विड विच इज कॉल्ड द मैग्मा. जब भी अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और फिर वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वोल्केनो रेज होता है और जिसे कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन. और यही वोल्केनो के साथ जब ये रेड हॉट मैग्मा है वो बाहर आता है और अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है जिसे कहते हैं लावा. मैग्मा जब गर्म होते वोल्केनो इरप्शन के साथ अर्थ की सरफेस तक बाहर पहुंचता है फिर वो क्या होता है, लावा बन जाता है. As the red hot lava reaches to the surface of the soil, after the some time, it begins to cool down and changes into the hard rocks. और वो जो rocks बने, वो कौन से rocks बने? Igneous rocks. कौन से बने? Igneous rocks. और ये जो igneous rocks है, as I say, इसको बनने में भी सॉइल की तरह बहुत सारा टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इट टेक्स टू मेक द इग्नियस रॉक्स. हमें पता है कि ये जो लावा की प्रोसेस है, वोल्केनो रेजमेंट की प्रोसेस है, वो ऐसे ही डेली बेसिस पर नहीं बनती, बट कुछ कुछ टाइम ग्रेट केस में ये सब होता है. तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू मेक. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ऑब्सिडियन, ह्यूमाइट, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट. सो ऑब्सिडियन रॉक था दैट हैज अ शार्प एजेस एंड ग्लास लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड ऑर्नामेंटल टूल्स. सेकेंड वन इज ह्यूमाइट. ह्यूमाइट है वो ग्रीन कलर का होता है और जैसे उसके अंदर छोटे छोटे वॉल्स होते हैं, वो वॉल्स इसलिए होते हैं कि जब ये ह्यूमाइट कब बनता है
बॉटम, जो सी का बॉटम लेयर होता है, जो अंदर का लेयर नीचे का, वो जनरली बेसल्ट का बना हुआ होता है और ये जनरली कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है। देन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट वो भी जब लावा है तो जल्दी से ठंडा पड़ जाता है, तब ये ग्रेनाइट बनता है और ग्रेनाइट भी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक्स। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स इज सेडिमेंटरी रॉक्स। सॉइल फॉर्मेशन में हमने ये सीखा था कि रॉक्स है वो क्रैक हो जाते हैं। कैसे क्रैक हो जाते हैं? बाय द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर। और फिर वो जो क्रैक हुए रॉक्स वो विंड और फ्लोइंग वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो गए। तो यहाँ ऐसी है कि जो ये इस रॉक्स है वो लावा में से बने वही रॉक्स के ऊपर वेट और फ्लोइंग वाटर का, रेन वाटर का जब फोर्स होता है तब वो क्या होता है उसके साथ बह जाता है, फ्लो हो जाता है। और जब भी ये रिवर रेन वाटर है वो रिवर तक पहुंचता है और साथ में ये रॉक्स भी वहां तक पहुंचते हैं। जब ये रिवर है किसी सी के जाके मिक्स हो जाती है तब ये जो रॉक्स जो उनके साथ क्या हुए है फ्लो हुए वो वहीं पर बॉटम लेयर पे क्या हो जाता है सेडिमेंटरी रॉक हो जाते हैं। और फिर उसके ऊपर बहुत सारा पानी होता है, बॉटम लेयर पे होता है तो उसके ऊपर कितना सारा पानी होगा, नीचे से अर्थ का प्रेशर होगा, तो इन सब की वजह से अर्थ का एक सेडिमेंट्स का लेयर बन जाता है और वो लेयर कैसे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स है? सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन एंड शेल। सैंडस्टोन इज लाइक अ ब्रिक्स और ये जो रॉक है वो भी सैंडस्टोन रॉक्स का ही एक टाइप है। फिर कॉन्ग्लोमेरेट वो भी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है। लाइमस्टोन है वो भी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज होता है, जो ग्लास है वो सब बनता है वो इसी में से बनता है। फिर शेल है वो टाइल्स और रूफ बनाने के लिए यूज होता है। सो दैट इज अबाउट द सेडिमेंटरी रॉक्स। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनता है? तो ये जो इग्नियस रॉक्स है सेडिमेंटरी रॉक्स है उसमें से कुछ रॉक्स है वो जमीन के अंदर है वो दब जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं और फिर उसके ऊपर ऊपर का प्रेशर आता है, नीचे का प्रेशर आता है। फिर ये जो रॉक्स है इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक्स जो अर्थ की सरफेस के अंदर दब चुके हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड क्वार्टजाइट एंड मार्मल। ये क्वार्टजाइट है वो सैंडस्टोन में से बनता है। अगर सैंडस्टोन है वो अर्थ की सरफेस के अंदर दब गया है तो उसके ऊपर प्रेशर और गर्मी की वजह से सैंडस्टोन में से क्या बन जाएगा? क्वार्टजाइट बन जाएगा। लाइमस्टोन के साथ ऐसा हुआ है तो लाइमस्टोन में से क्या बनता है? मार्बल बनता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रॉक्स। एंड हमारा लेसन का जो सेकेंड पार्ट है मिनरल्स, व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स? तो मिनरल्स है वो भी अर्थ की सरफेस के ऊपर या फिर सरफेस के नीचे दोनों टाइप दोनों जगहों से मिले जाते हैं। और नेचुरल सब्सटेंसेस दैट इज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। ये रॉक्स कब बनते हैं? लावा होता है, लावा मैग्मा क्या होता है? इट इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड। और फिर ठंडा होके फिर वो हार्ड रॉक्स बन जाते हैं। बट दिस मिनरल्स आर ऑलरेडी फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एंड दे आर नेचुरल सब्सटेंसेस। और जैसे कि मैंने बताया
उसका रिव्यू